हेलो गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों। 3-2 धमाकेदार एंट्री सिक्स वीक में। जी हां दोस्तों, बात करने वाले हैं ये जो मूवी है भाई, अब कंफर्म हो गया है कि ये मूवी 600 करोड़ कमाने वाली है। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। जवान मूवी का रिकॉर्ड सरपास हो गया यानी कि ख़त्म। तो क्या है न्यूज़, इसी पे हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों। पहले हम बात करें 3-2 भाई साहब, ये जो मूवी है भाई 50 करोड़ का बजट और मूवी कमा रही है भाई साहब 600 करोड़। यानी कि इस मूवी का जो बजट है, आप कह सकते हो कि 60 करोड़ में ये मूवी बनी थी और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये मूवी यहाँ तक पहुँच सकती है। जी हाँ दोस्तों, सिक्स वीक चल रहा है इस मूवी का, यानी कि छठा वीक चल रहा है और कलेक्शन जो आ रहे भाई साहब कमाल के। ओवरसीज में अभी जो कलेक्शन आ रहे हैं, आप यकीन नहीं करोगे, 35 लाख, यानी कि हर दिन 30 से 35 लाख ओवरसीज कमा रही है। यानी कि आप कह सकते हो कि जवान मूवी का जो रिकॉर्ड है भाई साहब, इसने ख़त्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये मूवी रिकॉर्ड तोड़ सकती है जवान का, क्योंकि इस मूवी का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया है वो हो गया है 595 करोड़, यानी कि 595 करोड़ इस मूवी ने कमा लिए हैं और जस्ट नीड ओनली 5 करोड़ और एंटर हो सकती है मूवी 600 करोड़ का। फर्स्ट क्लब होगा जो हिंदी नेट में कमा सकती है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट मूवी बनेगी यानी कि 600 करोड़ एंटर, ये उम्मीद किसी को नहीं थी। यानी कि आज मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज इस मूवी को ऋतिक रोशन ने भी सपोर्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सपोर्ट किया है मूवी को और मैं कह सकता हूँ कि 3-2 जो कमाई कर रही है ना भाई, ये अब आराम से 600 करोड़ कमा सकती है, बिल्कुल आराम से। क्योंकि अभी जस्ट मैं बात करूं तो 595 करोड़ हो गए इस मूवी के और जस्ट नीड ओनली 5 करोड़, और ये फर्स्ट मूवी बन जाएगी इंडिया की जिसने पहली बार 600 करोड़ का क्लब एंटर करेगी। यानी कि ये नाम जो है ना भाई, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर के नाम लिखा जाएगा। यानी कि हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है इस मूवी से। यानी कि फर्स्ट मूवी कोई भी बड़ा बॉलीवुड एक्टर नहीं, आप कह सकते हो कि हम सोचे अगर कोई बड़ी मूवी होती तो भाई इतना हल्ला कुछ नहीं होता, मगर ये जो मूवी है ना भाई, आप कह सकते हो छोटे बजट की मूवी और कारनामे ऐसे जो बड़ी मूवी भी ना करे। यानी कि 600 करोड़ कहना भी बहुत मुश्किल है। अब ये हम बात करने वाले हैं कि क्या ये मूवी का रिकॉर्ड कोई मूवी तोड़ सकती है। तो दोस्तों, एक ही बंदा है और वो भाई आपको पता है कि मूवी का रिकॉर्ड एक ही बंदा तोड़ सकता है, जिसका नाम है SRK। जी हाँ दोस्तों, 3-2 का जो रिकॉर्ड है जो एंटर होने वाली है 600 करोड़ में, वो कन्फर्म है ये टूटेगा, मगर एक ही बंदा है SRK जिसका दबदबा है बॉलीवुड के अंदर और वही इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। क्योंकि मूवी ने जो कारनामे किए हैं ना भाई, वो आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना। जवान मूवी ने आपको बताया कितनी भयंकर ओपनिंग ली थी, यानी कि आपने स्टार्टिंग में जो ओपनिंग ली थी और मूवी आते आते 585 करोड़ कमाई, 600 करोड़ भी नहीं कमाए। आप ये देखो, एक बड़ी मूवी ने चने चबा दिए अपने आप को यहाँ तक पहुँचाने में। आप कह सकते हो कि यार 585 करोड़ भी बहुत है और ये मूवी जो है 600 करोड़ में एंटर होने वाली है, बहुत बड़ी बात है श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के लिए। यानी कि आप कह सकते हो कि हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, 60 करोड़ का बजट और कमाई 600 करोड़, और इस मूवी ने ओवरसीज़ में 138 करोड़ कमाए। यानी कि ओवरसीज़ का इसका बिजनेस ठीक ठाक रहा, जैसी मूवी है, जैसी छोटे बजट की मूवी है उसके हिसाब से मूवी ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है ओवरसीज़ में। तो गाइस, अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी ने 840 करोड़ कमा ली है। 840 करोड़ भाई, बहुत कलेक्शन है ये। मैं क्यों कह रहा हूँ बहुत कलेक्शन है, क्योंकि मूवी का बजट ही भाई बहुत कम है, इसीलिए जो कलेक्शन है ना भाई पहाड़ जैसे है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। आप कह सकते हो कि जवान और जितनी मूवी आई है उनसे भी ज़्यादा कलेक्शन कह सकते हैं बजट के हिसाब से। तो गाइस, इस मूवी का रिकॉर्ड तो भाई बन गया, 600 करोड़ में कन्फर्म है ये एंटर होने वाली है। अब ये है कि इस मूवी का रिकॉर्ड एक ही मूवी है
जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो मूवी है द किंग। जी हाँ दोस्तों, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्शन के साथ ये मूवी आ रही है और जिसके अंदर SRK है। तो SRK के फैंस को उम्मीद है कि अगर जवान का रिकॉर्ड तोड़ा है स्त्री टू ने, तो स्त्री टू का जो रिकॉर्ड है ना भाई, वो भी द किंग मूवी तोड़ने वाली है। गाइस यही थी न्यूज़, मैंने आपको बताना चाहा कि अगर इस मूवी का रिकॉर्ड टूटेगा तो वो एक ही मूवी है जिसे हम कह सकते हैं द किंग मूवी। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।